हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 का रिजल्ट कब आने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतजार है। और आप लोगों को याद होगा कि हमने एक पहले भी ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपसे बताया था कि नीट का रिजल्ट कब आ सकता है और कब उसकी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि अभी तक मणिपुर स्टेट की एग्ज़ाम नहीं हुई है तो रिजल्ट में थोड़ी सी डिले हो सकती है, तो यहां पर भी वही हो रहा है। लेकिन अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि मणिपुर जो स्टेट है उसकी जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो कब होगी वो एग्जाम इसके ऊपर अपन कंप्लीट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपको यहां से हर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए काम की है हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम पर फायदा हो बहुत सारा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो क्योंकि मणिपुर स्टेट का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं था तो वो पोस्टपोन हो गया था। जब नीट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 7 मई को, तब एक दिन पहले आपके सामने रूमर्स भी आए थे कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। तो वो इसी स्टेट का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, तो वहां के क्या हालात हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपकी बात आ रही है कि मणिपुर स्टेट की एग्जाम अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस स्टेट की नीट एग्जाम 2023 की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो एग्जाम डेट जो है 3 जून से लेकर 5 जून के बीच में, यानी कि या तो 3 जून को या फिर 4 जून को या फिर 5 जून को, इन तीनों डेट में से किसी भी डेट को ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है नीट 2023 के लिए। और बात करें इसके रिजल्ट की, तो विदिन 3 to 4 डेज आफ्टर द एग्जाम, यानी कि 3 से 4 दिन के बाद यहाँ के एग्जाम का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। क्योंकि अभी तक नीट जो एग्जाम हुआ था 7 मई को, उसका भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इन दोनों एग्जाम का, यानी कि जो मणिपुर स्टेट है इनकी प्लस जो नीट का एग्जाम 7 मई को हुआ था, उनकी एक साथ ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। पॉसिबिलिटी भी यही है, क्योंकि ये एक साथ ही होगा तभी जाके काउंसलिंग से अब स्टार्ट होगी। तो अब बात करते हैं कि अब जो नीट 2023 का रिजल्ट है वो कब आ सकता है, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है। तो नीट 2023 एग्जाम रिजल्ट, देखो ये रिजल्ट बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब एग्जाम जो है मणिपुर का है वो होने के लिए डेट अनाउंस हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट जो नीट की है neet.nta.nic.ac पर जाकर आप इसको, या फिर .in के ऊपर जाके आप इसको चेक कर सकते हो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप खुद के तरीके से। अगर मेरे पास कोई फोटो होगी तो मैं आपके लिए स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आपको दिख जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि नीट 2023 का रिजल्ट मणिपुर स्टेट की एग्जाम के बाद ही रिलीज किया जाएगा। तो एग्जाम के बाद ही रिलीज किया जाएगा, तो वैसा ही हो रहा है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट पहले से सब्सक्राइबर हैं या फिर जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है तो उनको ये चीज़ पता होगी। तो हमने आपको बता दिया था पहले, क्योंकि ये तो होना ही था। अगर एक चीज़ का रिजल्ट देंगे तो फिर बाकी चीज़ का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग तो स्टार्ट दोनों के साथ में ही होनी है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात थी, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। बाकी आगे बात करते हैं। अब आती है बात कि अब रिजल्ट जो है जून के फर्स्ट हाफ में नीट का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये डेफिनेट है कि नीट का जो रिजल्ट है, कंप्लीट रिजल्ट मणिपुर प्लस सारे जितने भी नीट हुई है सारे स्टेट की, नीट 7 मई वाला और ये वाला एग्जाम जो होने वाला है, इनका रिजल्ट जो है जो जून है उसके फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। और मणिपुर स्टेट को छोड़कर बाकी सभी स्टेट के बच्चों की एग्जाम हो चुकी है, इसीलिए क्योंकि मणिपुर स्टेट के अलावा बाकी जितने भी स्टेट थे उन सबकी एग्जाम जो है हो चुकी है 7 मई को, सिर्फ मणिपुर की नहीं हुई थी। तो इसका भी शेड्यूल आपके सामने आ चुका है, तो आप, मैंने साइट आपको बता दी है उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल। तो रिजल्ट काफी सारे बच्चों को इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि उन बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनको सिर्फ एक ही उनका टारगेट है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, हमारा जो स्कोर कार्ड हमारे सामने आए और हम काउंसलिंग करवा के हमारा जो कॉलेज है, जो फेवरेट कॉलेज है, या फिर हमारा मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना, वो व्हाइट कोट पहनने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। तो हम समझ सकते हैं आपकी इन भावनाओं को। और उन बच्चों को इसका इंतजार बिल्कुल भी नहीं है जिनका पेपर खराब हुआ है, लेकिन आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाले स्टार जो हैं आप हो सकते हो, क्योंकि कुछ गलतियों की वजह से आपने वो स्कोर अभी अचीव नहीं किया है जो आपकी कट ऑफ तक ले जा सके आपको। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अपनी गलतियों से सीखना है और आगे चल के उस जगह पे अपना नंबर या फिर अपने नंबर वहां तक लेके जाने हैं जहां पर आपको कोई भी कॉलेज मिल पाए। तो ये था मेन चीज। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि नीट का रिजल्ट कब आ सकता है और कब इसकी पॉसिबिलिटी है। तो हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी,
तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर इतनी समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम दे पाए और आप अपडेट रह पाओ। तो मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।